अस्सलामुअलैकुम जमायत नहम के बच्चों बच्चों हम सबक नंबर 1 कुरान मजीद पढ़ चुके। इसका एक सवाल कल हम लोगों ने हल कर लिया, आज हम इसका सवाल नंबर 2 हल करेंगे। ओके बच्चों, सबक नंबर 1 कुरान मजीद, सवाल नंबर 2 फजाइल कुरान पर नोट लिखिए। जवाब फजाइल, आप लोगों ने बच्चों एडिंग देनी है। ओके, कुरान मजीद को बड़ी फजीलत हासिल है क्योंकि कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ है वो यकीनी हिलम और हकीकत की बुनियाद पर बनी है और उसमें किसी शक का गुजर नहीं। उसमें हर ज़माने और हर खिते के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल हिदायत और रहनुमाई मौजूद है और इंसान की दुनिया व आखिरत के हकीकी फलाह का दारोमदार इसी पर अमल करने में है। जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इसी तरह वह इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो ख़ुद भी इसका इलम हासिल करे और इसे दूसरों को भी सिखाए। इरशाद नबवी है, तर्जमा, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक का इलम हासिल करने की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दे और उसके लिए किसी तरह की मेहनत से दरेग ना करें। कुरान करीम की तिलावत बड़ी नेकी है, उसके एक एक अर्फ की तिलावत पर 10-10 नेकियां मिलती है। बच्चों ज़रा सोचिए, उस पर अमल के नतीजे में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में इज़्ज़त व सरफराजी अता फरमाता है। उससे मुंह फेरने वाले जलील व ख्वार होते हैं। तारीख गवाह है कि मुसलमान जब तक कुरान की तालीमात पर अमर पैरा रहे दुनिया में गालिब रहे। जब उन्होंने इसकी तरफ से गफलत बरती तो इज़्ज़त व सरबुलंदी से महरूम हो गए। इसलिए हमें चाहे कि कुरान पाक की तिलावत करें, उसको समझें और उसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। बच्चों तो ये सवाल नंबर 2 फ़ज़ाइल कुरान मजीद है। बच्चों तो आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि कुरान मजीद कितना अफजल तरीन किताब है, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान मजीद का एक अर्फ पढ़ने पर, तिलावत करने पर 10 नेकियां मिलेगी। बच्चों आप लोगों को पता है एक अर्फ से मुराद एक पूरा लफ्ज़ नहीं बल्कि एक अर्फ, जैसे कि यहाँ है कुरान, कुरान अगर कुरान मजीद में इस तरह का एक लफ्ज़ आया जैसे कुरान, कुरान का काफ रे अलिफ मदा नून, इस अलग अर्फ के 10-10 नेकियां मिलेगी। सिर्फ कुरान के 10 नेकियां नहीं मिलेगी आप लोगों को। बच्चों तो आप लोग अंदाज़ा लगाए कि कुरान मजीद कितना अफजल तरीन किताब है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह कुरान मजीद जो है तमाम किताबों में अफजल तरीन किताब है, इसी तरह वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो इस किताब को यानी इस कलाम को पढ़ता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को ख़ुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए, यानी जितना आप लोगों ने सीखा है वो दूसरों को भी आप लोग सिखाए। ओके बच्चों, और तारीख़ ये कहता है कि कुरान मजीद जो है जब मुसलमान जब तक कुरान मजीद पढ़ते थे तो मुसलमान जो है वो दुनिया पर राज कर रहे थे। जब उन्होंने कुरान मजीद से गफलत बरती यानी पढ़ना छोड़ दिया तो ज़िलत और रसवाई जो है उनकी मुकद्दर बनी। तो आप लोग ज़रा सोचिए ये कितना अफजल तरीन कलाम है। ओके बच्चों, सवाल नंबर 2 ये आज आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट करना है। ओके बच्चों, एक दफ़ा मैं फिर दिखा देती हूँ और कल जो मैंने सवाल नंबर 1 करवाया था कुरान मजीद का तारुफ बयान करें वो कल टेस्ट होगा। ओके बच्चों, आप लोगों ने टेस्ट लिखना है और मुझे दिखाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।